हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे नई सांसें दी, नई सुबह देखने को दी, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को और आप सबको। आप मुझे देख रहे हैं, मेरी मुझसे मेरी बातें, मैं आपसे बातें कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज है ट्यूसडे का दिन, मंगल का दिन और तकरीबन पूरा दिन गुजर चुका है क्योंकि छुट्टियाँ हैं हाफ आयला को। तो जाहिर और मत तो गए हुए थे काम पे और वो काम से वापस आए, फिर ये है कि आयला को मस्जिद छुट्टी नहीं है तो उन्होंने आयला को वापस आए काम उस टाइम पे फिनिश किया 4 o'clock और फिर उन्होंने आयला को मस्जिद छोड़ा। मस्जिद के बाद वो जब छोड़ के आए, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, मैं अजडा गई थी, थोड़ी सी थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी जो कुकिंग के लिए और ब्रेड एग वगैरह ये ख़त्म हुए हुए थे, मिल्क वगैरह, क्योंकि एवरी डे यूज़ होते हैं और जब छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चे घर पर होते हैं तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो वो थोड़ी लेने गई, फिर वापसी को आयला को उठाया 6 o'clock, वापस घर आई हूँ। तो जी आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि मैंने पहले खिचड़ी बनाई थी तो उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की थी। तो मुझे जो लास्ट कुछ तकरीबन थ्री फोर वीडियो हो गई हैं उनमें किसी वीडियो पे मुझे कमेंट किया था जैनब ने, कमेंट में लिखा था कि आप प्लीज़ जो खिचड़ी बनाई थी उसकी रेसिपी आप शेयर करेंगे। तो जी जैनब की फरमाइश पे मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी और खिचड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ी देर के बाद आपसे मिलते हैं, मैं थोड़ा सा अपना कप चाय का पी लूँ, थोड़ी सी चार्ज हो लूँ, तो फिर आपसे बात करती हूँ। जी अभी मैं चाय पी रही हूँ अपनी और चार्ज हो रही हूँ और ज़ाहिर जो है वो अपनी पी रहे हैं कॉफ़ी और बिस्कुट ही है साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हो, खुश पाश हो, के हो रहे हैं सारे ठीक हो, सांसें सबको लगी है? तो अभी बस थोड़ा सा फैमिली टाइम हो रहा है, अभी मैं थोड़ी देर में खिचड़ी पकाना शुरू करूंगी। तो थोड़ा सा जो है ये आयला वो जो कल लेके आई थी आइकिया से चीजें, वो जो कलर करनी थी वो कलर कर चुकी है, तो उनको दोबारा से क्या करना है वो बिल्ड करते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं या बनाते हैं चीजें, सो वो कर रही है। तो जब कलर दिखाओ आयला जो कलर किए हैं, चलो ये ऐसे कलर किए हैं, अब इनको निकाल के इनको वो बिल्ड करेंगे, तो आपको शो करेंगे कि ये क्या था, किस तरह ये होता है सारा। जी अभी मैं आपको बताती हूँ कि खिचड़ी बनाने का तरीका क्या है, उसमें क्या डलता है। जी मैंने एक गिलास जो है चावल, जो भी आपके पास गिलास है, शीशे का गिलास होता है, जैसे किसी के पास ये साइज है, आपने जितने हिसाब से बनानी है, जितने लोगों के हिसाब से, आपके घर जितने बंदे हैं उस हिसाब से। तो मुझे ये जो है काफी बड़ा गिलास है, तो मैं यानी एक भर के गिलास जो है चावल, कोई भी चावल जो आप इस्तेमाल करते हैं, बासमती राइस कोई भी, ठीक है, और एक ही गिलास भर के मूंग की दाल छिलके वाली, ठीक है। अगर छिलके वाली नहीं है तो आप दूसरी नॉर्मल मूंग की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है खिचड़ी के लिए छिलके वाली दाल। इसकी शक्ल ऐसे होती है, मतलब ये मूंग दाल है, मूंग छिलका, ठीक है, और ये ऐसे दिखती है, और जिसके ऊपर छिलका नहीं होता वो व्हाइट कलर की होती है, मूंग दाल होती है बगैर छिलके। छिलके वाले के साथ जो है बनता है खिचड़ी बनती है, इसके बाद बहुत इसके साथ टेस्टी बनती है। तो जी एक गिलास चावल, एक गिलास जो है दाल, वो मैंने भिगो के रख दी थी आधा घंटे के लिए, ठीक है। जितनी देर भिगोए होंगे उतनी ज्यादा मजे की बनेगी, क्योंकि 40 मिनट है या 1 hour है तो और मजे की बनेगी। तो मैंने भिगो दिए, इसके लिए 2 medium size जो है ऑनियन चाहिए, 2 medium size ऑनियन, 2 दरमियाने साइज के प्याज, और इस तरह से नॉर्मल जैसे चावलों के लिए आप कट करते हैं वैसे ही, सो 2 दरमियाने साइज के प्याज और 1 अदद टमाटर, इतने इंग्रेडिएंट के लिए। हरी मिर्चें जो है आपकी पसंद है, अगर आप हरी मिर्चें डालना चाहते हैं तो जब आप दमा देंगे तो वो डाल दें, या दरफर मिर्च डालना चाहते हैं, कुटी जो मिर्च होती है वो, लेकिन बात यह है कि जो खिचड़ी है वो प्लेन ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो खिचड़ी का मेन मकसद ही होता है कि प्लेन होती है, बस दाल प्लेन हो, मिर्चें ना ज़्यादा हो, तो थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए एंड पे जब दमा देते हैं तो लोग थोड़ी सी हरी मिर्चें डालते हैं खुशबू के लिए, अरोमा के लिए, लेकिन खिचड़ी प्लेन ही होती है। जब आप बीमारी से उठते हैं सबसे बेस्ट होती है, या जरूरी नहीं कि बीमार होता भी खाएं, बहुत बार दिल करता है, बारिश लगी हो बाहर तो दिल करता है कि खिचड़ी खाएं, तो आज हम खिचड़ी खाएंगे। एक तो वो खिचड़ी होती है कि चल मैं तेन खिचड़ी खवा ली हाँ, तू जरा मेरी गल नहीं सुनी ना, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि मैं तेन खिचड़ी खवा ली, तू जरा घर चल, तू बड़ी अजीब तंग किया बाहर। सो एक खिचड़ी वो होती है और खिचड़ी ये होती है। तो ये खिचड़ी कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। आए जी 1 cup भर के जो है ऑयल, एनी ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं, अगर बटर करना चाहते हैं तो बटर कर लें, अगर देसी घी करना चाहते हैं देसी घी कर लें। तो जी ये 1 cup भर के जो मैंने इसमें डाला है इतने के लिए ऑयल, तो ये मेरे पास वेजिटेबल ऑयल है, मैं खिचड़ी में ये डाल रही हूँ।
नॉर्मली जो है मेरी कोशिश होती है मैं बटर डालूं। आपको मैंने पहले भी बताया कि जब भी मैं राइस वगैरह बनाती हूँ बटर डालती हूँ, तो मेरे पास बटर नहीं था वरना मैं बटर ही डालती, तो उससे और मजे का टेस्ट आता है। लेकिन अभी मैं ये डाल दूँ जी। तो ऑयल हो गया गर्म और अभी जो है प्याज डालने लगी हूँ, सेम उसी तरह जैसे आप राइस बनाते हैं, चावल नॉर्मल बनाते हैं, कोई भी, चाहे पुलाव पकाते हैं, आलू पुलाव बनाते हैं, कुछ भी, वैसे ही। इसका ये है कि जब आप कोई भी पुलाव बनाते हैं, जैसे आलू वाले चावल, आलू पुलाव, कीमा पुलाव या यखनी पुलाव, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डार्क करते हैं प्याज को ना, बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं। तो खिचड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना पड़ता, इसको थोड़ा सा गोल्डन जो होता है ना कलर वो देना होता है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि खिचड़ी का रंग जो लाइट कलर का होता है। तो अभी जब कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गए, ठीक है। और अभी मैं इसमें टमाटर डाल काट के डाल रही हूँ। हाय क्या मज़े की न्यू जो है ना वो छुरी है, नाइफ जो है कल आइकिया से लेके आए हैं, और ये साइज़ ही मुझे इस साइज़ की बड़ी अच्छी लगती है, छुरियाँ काटते हुए ऐसे हाथ से। तो दो लेके आए, एक बड़ी एक छोटी, और बड़ी तेज़ है, मज़ा आ गया। फटाफट प्याज कटे हैं अभी मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 खाने के चमचे नमक, ये डालने के बाद अगर बाद में आप चखेंगे पानी, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, तो अगर कम हुआ तो डाल लेंगे तो बराबर ठीक है, क्योंकि मुझे जितना मैं बनाई हूँ दाल और चावल डालें तो मुझे पता है कि इसमें इतना डलेगा। तो जो न्यू करने वाले हैं ऑब्वियसली मेरी रेसिपी ये फॉलो करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो थोड़ा कम डाल लें, आपको शायद कम पसंद हो, इतना पसंद ना हो तो आप थोड़ा कम डाल लें, फिर इसको टेस्ट कर लें, उसके बाद में डाल लें, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा हो रहा है, ये थोड़ा सा जो टमाटर हैं थोड़े से मेल्ट होंगे, तो फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। अभी जो है मैंने, क्योंकि एक गिलास जो चावल थे और एक गिलास जो दाल थी, तो चावल वैसे भी हम जब पकाते हैं तो तकरीबन उनका डबल ही पड़ता है, अगर एक गिलास चावल होंगे तो उसमें 2 गिलास जो है पानी जाता है, डबल ही पड़ता है। बहुत कम होते हैं जिनमें 1.5 गिलास या 1 गिलास बराबर पानी होता है, लेकिन ज़्यादा चावलों में डबल ही पानी चलता है। तो जी मैंने फिर ये 1 गिलास दाल थी, 1 गिलास चावल, तो मैंने 2 गिलास भर के पानी के ये जो है मैंने केटल में डाले हैं, और 2.5 गिलास 2 पूरे और 1 आधा गिलास जो है जो मैंने नाप जो लिया हुआ था वो मैंने पानी डाल के उसको इसमें गर्म कर दिया था। तो अभी मैं ये डालने लगी हूँ इसमें, क्योंकि खिचड़ी है तो खिचड़ी को खिचड़ी की तरह होना चाहिए, क्योंकि चावल जो हम थोड़े खड़े खड़े रखते हैं खिड़े होने चाहिए, उनको नहीं होता है। जब नॉर्मली चावल जब वो गल जाते हैं तो एक एक चावल बढ़ाई नहीं तला बढ़ाई तो खिचड़ी बढ़ा छोड़ी है। सो मतलब ये है कि खिचड़ी जो है थोड़ी सी गले होने चाहिए चावल, ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं गलने, ज़्यादा भी नहीं गले होने चाहिए क्योंकि खराब हो जाते हैं। तो अभी जो है मैंने उस हिसाब से 1/2 गिलास और 1-2 गिलास और 1 और गिलास 2.5 गिलास मैंने पानी इसमें डाला है। अभी इसके बॉयल हो रहा है, पानी उबल रहा है, तो मैं इसको टेस्ट करूंगी। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि लोग नॉर्मली चावल उठा के टेस्ट करते हैं, याद रखें कि जब ऐसे पानी हो रहा हो, ऐसे उबल रहा, दिखाओ इधर, क्योंकि मैंने नमक डाला था आपके सामने, ऐसे जब पानी हो रहा हो तो इधर से जब उबल रहा है ना, इधर से पानी थोड़ा सा उठाएं और इसको फूंक मारें, थोड़ा ठंडा करें, एकदम से मुंह में डालने के लिए मुंह जल जाएगा और नमक जो है परफेक्ट है, क्योंकि मैंने 2 चम्मच डाला था, तो ये तेज, जैसे नहीं आप कोई शोरबा खाते हैं पानी शोरबा जो पानी वाला होता है ना, तो शोरबा जब चखते हैं तो थोड़ा सा नमक उसमें हाई, थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा जा रहा होता है, तो इस तरह का टेस्ट आ रहा हो कि थोड़ा सा ओवर हो रहा है नमक, तो आप इसमें चावल डालें तो वो भी ऊपर बराबर आएगा। और अगर आप इससे भी कम नमक खाते हैं तो आप 1.5 चम्मच डाल लें, ठीक है, अपने हसबे जायका। अभी उसको उबाल आ रहे हैं तो मैं ये पानी निकाल रही हूँ इनमें से दाल और चावल में से जी, ये मैं उबाल आ रहे हैं, तो ये मैंने इसका पानी जो निकाल दिया था तो ये मैंने डाल दिए। देखें 1 गिलास दाल थी और 1 गिलास चावल, और कितने ज़्यादा हो गए हैं। मैं इसको मिक्स करूँगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जैसे बहुत ज़्यादा हो गया है, वो कहते हैं ना कि जब फट जाते हैं चावल और दाल फट जाती है, तो 1/2 गिलास जो है मैं पानी और डालने लगी हूँ। सो बेसिकली 3 गिलास डाल दें, क्योंकि ये ज़रा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा गलने के लिए।
सो आधा गिलास पानी और, बेसिकली 3 गिलास पानी आप डाल दें। और साथ एक चम्मच भर के खाने की, 1 टेबलस्पून गरम मसाला एक चम्मच खाने की भर के। तो जी बस आपको इसको उबाल जब आएंगे तो मैं इसको दमे के ऊपर रख दूंगी। ये देखें उबाल आ चुके हैं, देखें इसके, और ये आपको थोड़ा चावल नजर आ रहे हैं, दाल नजर आ रही है और पानी इतना, तो ये बस इनकी ये ऐसी हालत है। और इस तरह पानी, इतना पानी हो तो दमे के ऊपर रख दे, ठीक है। ये मैं इसकी स्लो कर रही हूँ हीट, और मैं ऑलवेज जो है किचन क्लोज जो होता है वो इसको मैं हमेशा डंप कर लेती हूँ, लाइक थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ, ठीक है। तो साफ होना चाहिए दमे के लिए, ये थोड़ा सा सुराख होया हुआ है तो इसको जरा नजर अंदाज करना है, क्योंकि ये मैंने जला दी थी तो मेरे पास ही मैं खड़ी थी और मैं पकड़ के ऐसे खड़ी हूँ, वहां से बातें कर रही हूँ, देखा कि स्मेल आ रही है तो ये जल गया, तो मेरी ये जो है किचन क्लोज जो जल गया था, कोई बात नहीं फिर भी दमा दे सकते हैं। तो जी ये हो गया, ये हो गया, ये जो इनके कवर होते हैं ना, इनके लिड होते हैं, इनके पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन ये मैं जानबूझ के नहीं लगाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से स्पेशली देशकों के, क्योंकि ये दमा नहीं लग सकता, नॉर्मली फिर उल्टा रखना पड़ता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो सिर्फ चावलों के दमा रखने के लिए मैं इनके ऊपर जो इनके होते हैं ना पकड़ने वाले जो लिड के ऊपर बने होते हैं उनके, वो मैं नहीं लगाती। तो जी ये मैंने कर दी हीट जो स्लो, और अभी जो है दमा रखूंगी, पानी डाल के डोंगे में रख दूंगी, या कोई भी चीज़ हैवी आपको नजर आती है तो। ये देखें जी पानी डाल के तो मैंने रख दिया दमा, कोई भी हैवी चीज जो है, पाकिस्तान में तो अम्मा के घर जब मैं थी तो होती थी लंगरी बड़ी बारी सी, मेरी दादी के टाइम की, तो मेरी दादी ही इस्तेमाल करती थी, फिर अम्मा के पास आई तो बड़ी सी लंगरी थी वो, जो जिसमें वो कूटते हैं ना, तो वो रख देते थे दमे के लिए, वो बेस्ट थी जी। पूरे 40 मिनट के बाद मैंने वो दम लगा दिया था 40 मिनट के लिए, सॉरी मैंने पहले नहीं जब दमा लगाया तो टाइम का नहीं बताया था। तो अभी मैंने ये खोला है और आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा, ये देखें ये खिचड़ी आपको नज़र आ रहा है ना, क्योंकि ये ऊपर वाले तो चावल हैं, ये जैसे नॉर्मली राइस होते हैं वैसे खिड़े खिड़े, लेकिन ऐसे खिचड़ी को होना चाहिए, आप देख लें। मैं अभी ट्रे में डालती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें धुआं निकल रहा है मेरी खिचड़ी में से, और खिचड़ी का जो है चेहरा ऐसा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गली हुई होनी चाहिए और ना ही वो चावलों की तरह नज़र आनी चाहिए, खिचड़ी की तरह नज़र आनी चाहिए। तो ऐसे बनती है खिचड़ी। आई होप जैनब आप खुश होंगी और ज़रूर ट्राई करेंगी, और मुझे फिर ट्राई करके बना के ज़रूर कमेंट में बताना कि आपकी खिचड़ी कैसी बनी, ठीक है। तो जी आज के लिए मैं आपको अल्लाह हाफिज़ बोलती हूँ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल आपकी दुआओं के साथ और अल्लाह के हुक्म के साथ। अल्लाह हाफिज़।